हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक PCCL, CCL और कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज के लिए। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला फॉर्म Form 1A है, जो कि Regulation 3 के नोटिस ऑफ ओपनिंग में आता है। कहीं भी आपको कोई नया माइंस खोलना है तो उसके लिए ये फॉर्म लगेगा, जो कि Form 1A में आता है। तो अगला फॉर्म Form 1B है, जो कि Regulation 6 में आता है, जो कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग का फॉर्म है। कोई भी माइंस जो बंद हो चुका था उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए, रीओपन करने के लिए ये Form 1B यूज़ होता है। तो जो अगला फॉर्म है वो Form 1C है, जो कि Regulation 5 में आता है। इसमें कहा जाता है नोटिस ऑफ क्लोजर एंड अबैंडमेंट। इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी खदान या कोल माइंस जिसमें कोयला ख़त्म हो चुका है, तो उसको अगर क्लोज करना है, बंद करना है, अबैंडमेंट करना है पूरी तरीके से, तो Form 1C में आता है। तो अगला जो फॉर्म है वो है Form 1D, जो कि Regulation 5 का है, जिसमें नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कोई माइंस है जो कि किसी कारणवश काम उसका स्थगित हो जाता है, लोकल इशू के वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, तो उसमें हम नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस देना पड़ता है। तो अगला जो फॉर्म है वो है Form 2A, जो कि Regulation 7 का है। इसमें कहा जाता है कि नोटिस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ माइन। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी माइंस है जिसका कुछ भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका नाम ए है और किसी कारणवश उस नाम में कुछ दिक्कत है या कोई समस्या है या कोई भी बात है जिस वजह से उसका नाम चेंज करना पड़ रहा है, तो उसमें हम Form 2A भेजेंगे। तो जो अगला फॉर्म है वो है Form 2B, जो कि अगेन Regulation 7 का है, जिसमें है नोटिस ऑफ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ अ माइन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर माइंस जो कि सक्षम नहीं है प्रोडक्शन करने में और वो अपनी कंपनी दूसरे को हैंड ओवर कर देती है, तो इस कंडीशन में उसका ओनरशिप भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें Form 2B के अंतर्गत आती हैं। अगला जो फॉर्म है वो है Form 2C, जो कि अगेन Regulation 7 का है, जिसमें कहा जाता है कि नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ओनर, एजेंट और मैनेजर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो अपने एड्रेस में चेंज करना चाहती है, अपना हेडक्वार्टर या HRD कहीं भी दूसरी जगह लगाना चाहती है या इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उस कंडीशन में उसको जो नोटिस जाएगा वो Form 2C में जाएगा। सो जो अगला फॉर्म है वो है Form 2D, जो कि अगेन Regulation 7 का है। इसमें कहा गया है कि नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर और एट्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट मैनेजर का जब भी अपॉइंटमेंट होता है कोई भी कोलेरी में या माइंस में, तो उसका नोटिस भेजा जाता है DGMS को, तो वो 2D में आता है। तो अगला जो फॉर्म है वो है Form 2E, जो कि Regulation 7 का है अगेन, जिसमें कहा गया है नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट एंड मैनेजर। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेट कर देना एजेंट या मैनेजर को, पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना, उसका नोटिस भेजा जाता है Form 2E में। कहने का मतलब ये है कि एजेंट या मैनेजर ने कुछ भी कोई गलती करी हो, किसी कारणवश उनको बर्खास्त कर दिया गया हो, तो उसका Form 2E में DGMS को नोटिस भेजा जाता है। तो अगला जो फॉर्म है वो है Form 3, जो कि Regulation 4 का है, जिसमें कहा गया है एनुअल रिटर्न्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनुअल रिटर्न हर साल 1 फरवरी या उसके पहले दिया जाता है, तो जो वो दिया जाता है वो Form 3 के अंतर्गत आता है, उसी नोटिस में दिया जाता है। तो अगला फॉर्म है वो है Form 4A, जो कि Regulation 8 का है, जिसमें नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और अक्यूरेंस दिया गया है। जब भी कोई माइंस में एक्सीडेंट होता है तो उसका इंफॉर्मेशन Form 4A में करके देना होता है विद इन 24 आवर्स। तो अगर हम नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में समझें, तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट हमसे ये माना जाता है
कि कोई भी आदमी या कोई व्यक्ति माइंस में अगर जा रहा है और किसी कारणवश उसका रूफ़ फॉल हो जाए, उसके ऊपर गिर जाए रूफ़ और उसकी अचानक डेथ हो जाए, तो ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा। या फिर उसका कोई भी सीरियस बॉडी इंजरी हो जाए उसको माइंस के अंदर, तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। मतलब कि उसका कोई भी, या फिर हाथ में चोट लग गया या फिर पैर में, मतलब सीरियस बॉडी डैमेज हो जाए पूरी तरीके से, तो उसको हम एक्सीडेंट बोला जाएंगे। और अगर उससे कुछ कम है या फिर अगर खरोच वगैरह कुछ लगी है तो उसको हम उस केस में एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे। तो जो भी इस तरीके की घटनाएं रहती हैं वो हम फॉर्म 4A में भेजते हैं। तो अगला फॉर्म है फॉर्म 4B, जो कि रेगुलेशन 8 का है, जिसमें दिया गया है पर्टिकुलर्स ऑफ डिजीज्ड और इंजर्ड पर्संस टू बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ ऑक्यूरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंजर्ड हो गया या फिर उसको कोई डिजीज़ हो गई, तो उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन रहती है वो 7 दिन के भीतर देनी पड़ती है, जो कि फॉर्म 4B में जाती है। तो नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 4C, जो कि रेगुलेशन 8 का है, जिसमें दिया गया है पार्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्संस रिटर्निंग टू ड्यूटी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंजर्ड हो गया था कोई भी एक्सीडेंट वगैरह में, या फिर कोई भी उसको डिजीज़ थी, और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वो रिटर्न करता है अपनी ड्यूटी पे। तो ड्यूटी पे रिटर्न करने के बाद उसके 15 दिन के भीतर फॉर्म हमको भेजना पड़ता है, जो कि फॉर्म 4C में जाता है। तो नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 6, जो कि रेगुलेशन 117 का है, जिसमें कहा गया है पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी माइंस में इंस्पेक्टर जब छापा मारता है या फिर इंस्पेक्शन करने जाता है, और अगर उसको किसी भी पॉइंट पर या किसी भी लोकेशन में कुछ ऐसा उल्लंघन चीज़ें मिल जाती हैं या जो रूल के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, तो वो उन सबको नोट डाउन करता है और चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 6 में करके भेज देता है। तो नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 5, जो कि रेगुलेशन 9 का है, जिसमें दिया गया है नोटिस ऑफ डिजीज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में जाने वाले व्यक्तियों को कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, जो कि सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके की डिजीज़ अगर आपको दिखती हैं तो आप फॉर्म 5 में इसका नोटिस भेजते हैं। तो अगला जो फॉर्म है वो है फॉर्म 7, जो कि लास्ट फॉर्म है, जो कि रेगुलेशन 28 में आता है, जिसमें कहा गया है मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैनेजर जब उसका ट्रांसफ़र होने वाला होता है तो वो उसका लेखा जोखा जितना भी रहता है वो एक अपना बुकलेट तैयार करता है, जो बुकलेट में नया मैनेजर जब आएगा वो उसमें साइन करेगा। तो उस रिपोर्ट में जितना जो मैनेजर जो जा रहा है उसका जितना भी रिपोर्ट रहेगा, उसने उतने दिनों में क्या कार्य करा, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो उस वाले रिकॉर्ड का जो फॉर्म है वो फॉर्म 7 में भेजा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। CMR 2017 के जो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स थे, ये आपके आने वाले जितने भी सरकारी और प्राइवेट एग्ज़ाम्स हैं माइंस से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मुझे करिए, और अगर आपको रेगुलेशन से संबंधित या माइंस एक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।